वालेकुम जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सारे हैं ठीक ठाक। और जी हाँ, कैसा गुजरा आपका डे, आपका सैटरडे? उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के फजल से खैर से गुजरा होगा। और जी हाँ, सेम हियर, ऐसा ही है। हम सारे जो हैं बिल्कुल छुट्टी होती है, रिलैक्स करते हैं। जो वीकेंड होता है इस पे मोस्टली तो यही सारा कुछ चलता है कि आराम करें और चिल करें, और खाना पीना होता है। तो ऑफकोर्स आप सबने भी वही किया होगा और मैंने भी सेम हियर। तो अल्लाह से दुआ है कि जी आने वाले काल, आने वाले पाल सब खैर से गुजरें। मैं भी यहाँ अब रोटियाँ बनाने लगी थी क्योंकि डिनर टाइम तो खैर काफ़ी देर का जो है वो शुरू हो गया यहाँ पे, बल्कि ख़त्म हो गया है क्योंकि 10 o'clock हो रहे हैं। तो somehow मुझे जो रोटी है वो थोड़ी देर से बनाना थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रेश रोटी बनाई जाए। और आपको पता है रोटी जो है वो फ्रेश ही खाने का मज़ा है। मैं नहीं, मैं कहती कि सारे लोग ऐसा करते हैं, बट सम लोग जो हैं, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं खाने पीने के बारे में कि हमें फ्रेश जो रोटी है वो ही मिले तो चलता है। तो आप बताइए जी, आप सबने क्या किया? और मैं आप सबसे यहाँ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए मुझे और मेरे जो चैनल को ना आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको मेरी वॉइस या मेरा वर्क जो है थोड़ा सा भी पसंद है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चाय बना रही हूँ तो उसमें डाल रही हूँ दालचीनी और सब्ज़ इलायची वगैरह। वैसे मुझे नहीं पता, सारे लोग जब चाय बनाते हैं हर किसी का वो कहते हैं ना अपना टेस्ट है, लेकिन जो हम चाय बनाते हैं, मैं वैसे यूजली जो है इसमें इलायचियाँ और दालचीनी वगैरह और सौंफ डाल के फिर चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मज़ा आता ऐसे चाय पीने का। तो मैं थोड़े से सौंफ भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो जो चाय है जी, वो तो वही बात आ गई ना कि चाय के बगैर तो दिन नहीं गुजार, लेकिन सब लोगों पे अप्लाई नहीं होता। सारे लोग नहीं पीते चाय, सब लोगों को चाय नहीं पसंद है। कुछ लोग जो हैं जी लस्सी और क्या कहते हैं दही वगैरह, लस्सी हो गई, और हर किसी के अपने जो फेवरेट पसंदीदा मशरूम हैं उनके साथ गुजारा करते हैं। लेकिन जो हमारा मसला है, हमारा काम है, हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। हमें तो हमारा हाल तो ये है जी, जितनी दफ़ा चाय मिल जाए उतनी चाय थोड़ी है। तो होपफुली आप सारे भी जी अपनी पसंदीदा और अपने फेवरेट जो हैं पीते हैं और खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सबके लिए जो निज़ाम और सिस्टम है एक सा बनाया है। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबके तावन और आप सबकी हेल्प के बगैर तो नहीं हो सकता ना कुछ। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आपने मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छा अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहती हूँ कि होपफुली जो मेरी वॉइस और मेरी नेचर है, वैसे लोग कहते हैं कि उनको पसंद है, होपफुली आप सब भी मुझे बर्दाश्त कर लें जैसे सारे लोग करते हैं, आप भी कर लें। तो आपके प्यार का, आपके देखने का, आपके पसंद करने का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये आप सब लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये हिम्मत मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी हमने ये काम करना है। क्योंकि जब आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम कैसे कर सकते हैं कोई भी काम। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे बात होगी फिर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये देखें, मैं तो यहाँ बना रही थी चाय और यहाँ मैं रोटी मैंने डाली है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह आपकी सारी दुआएं और मुरादें कबूल मंजूर फरमाए। अपनी बारगाह के अंदर हमें याद रखिए दुआ में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।